हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के बाद में अब मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन जी राठौड़। राठौड़ साहब किस तरीके से देख रहे हैं नतीजों को? नतीजे तो उत्साहवर्धक है, हमारे लिए ठीक है, अच्छा नतीजा है। लड्डू खिला रहे हो आप पूरी पार्टी के अंदर, सबको शुरू हो गया मिठाइयों का दौर? नहीं, हाँ बिल्कुल, हम तो देखिए अब कार्यकर्ताओं में उत्साह है और खुशी का माहौल है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब अत्यधिक खुश होता है तो थोड़ा मिठाई विठाई खिलाने का एक होता ही है, तो मिठाई खिला रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत। चुनाव की शुरुआत के साथ में भाई सब बातें की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? हम नतीजों ने सब कुछ साफ कर दिया है। देखिए जनादेश है, जनता समझ रही है और जनता हमेशा दो चीज़ को महत्व देती है, एक तो विकास को और एक विकास की गारंटी पर। तो मोदी जी ने गारंटी दी है, विकास की गारंटी दी है, तो मोदी जी की गारंटी पर जनता भरोसा कर रही है। आशीर्वाद मिला है, ठीक है, जनता ने और जनादेश दिया है, हम उनके आभारी हैं, उनका सम्मान करते हैं और जो कहा है वो करेंगे। राजस्थान के एक नेता जो हैं वो प्रभारी थे हरियाणा के, और मुख्यमंत्री ने भी वहाँ 8 से 9 विधानसभाओं में जाके प्रचार किया, नतीजे सामने हैं, राजस्थान की भूमिका को किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा की जीत? मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, जिन कार्यकर्ताओं ने, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे पूनिया जी हो, चाहे हमारे और भी कार्यकर्ता, राजेंद्र जी राठौड़ भी गए, हमारे कई नेता गए, तो हम लोग अपना परिवार एक है, हम अपने परिवार के सदस्यों का भी जिन्होंने वहाँ जा कर के और मेहनत करी, उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन ये मैं करना चाहूँगा। एक तरफ तो आप कह रहे हो जनता का आप धन्यवाद कर रहे हो, कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो जनता का धन्यवाद बाद में होगा, पहले तो ईवीएम ने धन्यवाद करना चाहिए, ईवीएम की वजह से। तो फिर कश्मीर में क्या हुआ, क्या बोलेंगे वो कश्मीर के बारे में? वो देखिए जहाँ वो जीतते हैं वहाँ तो वो दूसरा रुख अपनाते हैं, और जहाँ वो हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ कि देखिए कोई भी नेता को जनादेश का सम्मान करना चाहिए, जनता का अपमान कतई नहीं करना चाहिए। ये ईवीएम बात करें, मैं आज क्या बताऊं, उनसे पूछना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, ये क्या बात है, जम्मू में हम जीत रहे हैं और कश्मीर में उनकी कुछ सीटें आई है, तो क्या वो वहाँ तो नहीं बोलते हैं? जिन प्रांतों में या राजस्थान में जो स्थिति रही, तो फिर जनादेश है उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि वो ईवीएम की बात करें, इसका मतलब वो जनमत का सम्मान नहीं कर रहे। राजस्थान में फिर इस जीत का क्या असर देख रहे हैं आप? 7 उपचुनाव बहुत जल्द अब घोषणा हो जाएगी। देखिए राजस्थान में तो हम पहले से ही कह रहे हैं, हमने काम किया है, हम विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार हमारी बनी है, बजट बहुत अच्छा दिया है, केंद्र का बजट भी बहुत शानदार था, राजस्थान का बजट भी बहुत अच्छा है, कोई टैक्स नहीं लगाया और विकास के लिए पिटारा खोल दिया, पूरा खजाना खोल दिया, तो विकास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो जनता आशीर्वाद देगी हमको। जिस तरीके से हरियाणा में दलित वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया, क्या आपको लगता है राजस्थान के अंदर भी दलित जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा इस बार उपचुनाव? देखिए कांग्रेस ने दलितों के साथ धोखा किया है, दलितों का दुरुपयोग किया है, दलित समाज को भ्रमित करके और उनका वोट प्राप्त किया है, तो दलित समझ गया। मैं एक बात और कहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस ने जो एक वर्ग विशेष में जो कश्मीर में जो निवास करता है उनका भी दुरुपयोग कर रही है वो, लेकिन जब उनके भी समझ में आ जाएगा तो वो भी हमारे साथ जुड़ेगा, जब उनको भी लगेगा कश्मीर के जो उस मुस्लिम वर्ग को भी लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम कश्मीर में शांति का माहौल करने में कामयाब रहे, हम कश्मीर में जेलों में नौकाएँ फिर से चालू हो जाए, पर्यटक वहाँ लुत्फ़ उठाए आनंद ले, ये वातावरण हमने तैयार किया, मोदी जी ने तैयार किया, वहाँ पत्थर फेंक जो थे उन सबको गायब मोदी जी ने किया, वहाँ हमारी सेना का भी सम्मान बढ़ा है ये मोदी जी ने किया, मोदी जी ने वहाँ पर और बजट में जो घोषणाएं की वो वहाँ की जनता को भी धीरे धीरे समझ में आएगी, जब ये जातिवाद का जहर जो कांग्रेस ने घोलने का प्रयास किया है वो जब पता चल जाएगा उनको कि नहीं मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों के विकास की चिंता करते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो वो भी हमारे साथ आएंगे।
एक आखिरी सवाल भाई साहब, गोविंद सिंह डोटासरा को आपने लड्डू भिजवाया है, इस लड्डू को जीत के जश्न की मिठाई समझें या आमंत्रण? देखिए, मैं ये सोचता हूँ हमारे नेता, वरिष्ठ नेता जो थे दीनदयाल जी उपाध्याय, उन्होंने एक बात हमको कही थी कि आज हमारा विरोधी है, कल वो हमारा समर्थक बनेगा। आज हमारा समर्थक है, कल हमारा मतदाता बनेगा, और आज हमारा मतदाता है वो हमारा कार्यकर्ता बनेगा। तो फिर हम तो प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को ये सोचते हैं कि उस वो हमसे हमें पढ़े, हमें समझे, हमारी पार्टी को पढ़े, हमारी रीति नीति पढ़े, और समझदार आदमी को जब समझ में आ जाएगा तो वो सही मार्ग पर आ जाएगा। तो समझदार आदमी को जब समझ में आ जाएगा तो वो सही मार्ग पर आ जाएगा, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मदन राठौड़ का। मदन राठौड़ ने कहा कि जीत की जनता को आभार है, जीत की बधाई दी है, और साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा को लड्डू भिजवाया है। ये लड्डू जो है वो आमंत्रण का भी माना जा सकता है, ये लड्डू मिठाई के जश्न की मिठाई भी मानी जा सकती है। पर मदन राठौड़ का कहना है कि दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारा बुराई करने वाला है वो एक दिन हमारा प्रशंसक बनेगा। हरियाणा की जीत के जश्न में भारतीय जनता पार्टी इस टाइम नजर आ रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए जयपुर से, मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।